हेलो अदिति, अमृत बोल रहा हूँ अदिति। बहुत हालत खराब है मेरी। आपकी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? मैं आपका फोन नहीं उठा रही तो दूसरे नंबर से फोन करेंगे आप? अरे ऐसे बेरहम मत बनो अदिति, एक बार अपने पति का हाल तो पूछो। मिलने तो आ जाओ, अस्पताल में हूँ मैं। बहुत मारा सम्राट ने मुझे, इतना बुरी तरह मारा है कि डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा इलाज कैसे करे। ये फालतू का तमाशा बंद करिए आप, समझे? और ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना आपकी अब नहीं चलेगी। मेरे प्यार और दर्द को तुम इमोशनल ब्लैकमेलिंग बोल रही हो अदिति? ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तो तुम ये डॉक्टर से बात करो, वो बताएगी मेरे क्या हाल है। लो डॉक्टर। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अगर भैया ने आपको मारा है ना तो बिल्कुल सही किया है, इसी लायक हैं आप। अब भुगती है, मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सम्राट जी ने मारा? और अगर दोबारा यहाँ फोन किया ना तो सीधा भैया को बोलूंगी, अपना इलाज कराने के लायक नहीं रहोगे। अरे उर्मी, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे, वो चाय रख रहे थे ना पीने के लिए, तुम पियोगी ना? जी दीदी। दीदी सुनिए, शौर्य बहुत खांस रहा है, बच्चों की कोई कॉफ सिरप होगी आपके पास? हाँ है ना मंदिरा का, हम अभी लेकर आते हैं, ठीक है? जी दीदी। हेलो उर्मी। जी मम्मी। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम बुआ बनने वाली हो। क्या? हाँ बेटा। मम्मी ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, हे भगवान, आपको बहुत बहुत बधाई मम्मी। तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो बेटा। तुम सबको वहाँ बता देना और कहना कि हम खुद मिठाई लेकर ये खुशखबरी देने सबको आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल मम्मी, हम सबको बता देंगे। हाँ बेटा। अच्छा बेटा, हम रखते हैं। हाँ मम्मी, बाय बाय बाय। अब तो खुश है ना अम्मा जी? अरे हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। सरोज अपनी समधन का मुंह मीठा कराओ ना। जी अम्मा, हम अभी नाश्ते का इंतजाम करने ही जा रहे थे, अभी आते हैं, आप बैठिए ना। तुम आशा के साथ बात करो, हम अभी आ रहे हैं। बहुत अच्छे रानी, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है कितना बड़ा काम किए तू? हम कुछ नहीं किया अम्मा, ये सब तो कौरव जी की वजह से हुआ है। हाँ उन्होंने किया सब। जैसा सोचा था ना बिल्कुल वैसा हो रहा है। कैसा सोची थी? क्या कर रही हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेट में क्या है? पेट में? अम्मा तुम भी ना, हमारे पेट में बच्चा है और क्या। बच्चा नहीं, ये घर का बारिश है बारिश, जिसके बिना ना सब बेकार था। अब दामाद जी की पहली बीवी ने तो तरसा लिया सबको बच्चे के लाने, अब तू इस घर का वंश आगे बढ़ा रही है। चेलाने तुम्हारे दिन तो बदलने वाले हैं, रानी होगी रानी तू इस घर की, अब जो चाहिएगा वो मिलेगा। अच्छा पर अम्मा, हम जो मांगते हैं हमें वैसे भी मिल ही जाते हैं। हाँ अरे कोई कमी नहीं है हमें इस घर में, अरे तुम चिंता मत करो। अरे पगली ऐसे नहीं चलेगा, थोड़े बड़े सपने देख। अगर बड़े सपने नहीं देखेगी तो जरूरतें कैसे बनेगी? तुम्हारी शादी ऐसे आदमी से इसलिए नहीं करे थे, जिसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई थी इसलिए की थी कि तुम्हारे साथ साथ हमारे दिन भी बदल जाए।
तुमसे इस घर का वंश चलेगा तो हम भूखों मरेंगे। जिसकी बीवी भाग गई हो उसे कोई पूछता है क्या? लेकिन हम पूछे, समाज में गौरव और उनके घर वाले सर उठाकर खड़े हैं, वो भी बिल्कुल फोकट में। अम्मा, गौरव जी के बारे में ना कुछ मत बोलना तुम। हाँ, गौरव जी से तो हम शादी वैसे भी कर लेते हो। बहुत ही भले इंसान है वो, बहुत प्यार करते हैं हमसे और घर में भी हमसे सब बहुत प्यार करते हैं। हे भगवान, कैसी बेकूफ और नकारा मोड़ी पैदा किए हैं हमने। अब लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना वैसे ही जीना पड़ेगा जैसे अभी तक हम जीते आए हैं। तुम क्या करोगी अम्मा इस उम्र में? बच्चा तो हमारे होने वाला है ना। हा? तुम्हारी जिंदगी तो ऐसी भी थी अम्मा। बेटा, आप अभी तक खांस रहे हो? हाँ मामा, मुझे बहुत खांसी आ रही है। किसने कहा था आपको पानी खुद पर डालने के लिए? अभी आप जल्दी से मुंह खोलो। सम्राट जी, बोलिए सम्राट जी। हाँ जी, क्या कर रही हैं आप? बस अभी डिनर रेडी करके हम ऊपर ही आए हैं। आप बताइए कितनी देर में आ रहे हैं आप? हाँ, मैंने वही बताने के लिए फोन किया था भाई कि मैं, मुझे आने में लेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत काम है ऑफिस में। आप लोग खाना खा लो, आराम करो, रिलैक्स करो। ठीक है, मैं ये मंगवा लूंगा खाना। जी अच्छा। क्या हुआ, कौन खांस रहा है? शौर्य खांस रहा है, क्या हो गया उसको? देखिए ना, इतना शैतान हो गया, खुद पर पानी डाल लिया इसने। भाभी से लेकर हमने कॉफ सिरप दिया इसे, शायद थोड़ी देर में आराम मिल जाए इसे। अच्छा, सुनिए, टाइम पर खाना मंगा भी लीजिएगा और खा भी लीजिएगा। डोंट वरी मैडम जी, डोंट वरी, एंड आई लव यू। डू यू? चलिए हम फोन रखते हैं। बाय बाय। मामा मामा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। बोले मैं चूचू माओ को नींद आ रही है। वह स्वः तत सवितु वरेण्यं भर्गो वस्य धीमहि धियो यो नः। हेलो, हाय, कैन आई टॉक टू उर्मी प्लीज? आई एम हर फ्रेंड नताशा। अरे नताशा, ओ माय गॉड, कहाँ हो तुम? ना कोई फोन ना कोई मैसेज। अरे बस ऐसे ही। एनीवे, यू टेल मी, हाउ आर यू? हम बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ कैसी हो तुम और कहाँ हो? अरे अभी तो लंदन में हूँ, लेकिन गेस व्हाट, बहुत जल्दी मैं इंडिया आ रही हूँ। मेरे हस्बैंड का कुछ काम है ना इंडिया में, इसलिए। तुम झांसी आओगी कि नहीं आओगी? ऑफ कोर्स, इसलिए तो तुम्हें कॉल किया, मैं कल रात को वहां पहुंच जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जल्दी आ जाओ, ढेर सारी बातें करेंगे हम बैठ कर। ओम भूर भवः। या बातें भी करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे शॉपिंग करनी है तुम्हारे साथ। तुम और तुम्हारी शॉपिंग, लंदन जाके भी खत्म नहीं हुई ना। आ जाओ, कर लेंगे शॉपिंग। एक तरफ हमारी बिटिया की सारी खुशियां छिन गई हैं और एक तरफ इन महारानी को एक के बाद एक खुशियां मिले जा रही हैं। वाह रे वाह, ऊपर वाले वाह। एनीवे, चलो मैं कल तुमसे मिलती हूँ। ओके, सी या, टेक केयर, बाय बाय। अब किसका फोन था? माँ जी हमारी बहुत पुरानी सहेली है, शादी के बाद लंदन शिफ्ट हो गई थी, कल रात को आ रही है।
हम जाकर खाना लगाते हैं माँ जी। थर्मोमीटर से चेक करते हैं कितना बुखार है। सम्राट जी को फोन लगाते हैं, शायद वो अभी तक मीटिंग से फ्री हो गए होंगे। जी फोन उठाइए प्लीज, लगता अभी भी बिजी है। थोड़ी देर वेट करते हैं उनकी कॉल का, शायद वापस कॉल बैक करेंगे। अभी तक फोन नहीं आया सम्राट जी का, हम ऑफिस में फोन करके देख लेते। हेलो हेलो, हम मिसेस सम्राट बोल रहे हैं, आप सम्राट जी को तुरंत फोन दीजिए, हम हमें बहुत अर्जेंटली बात करनी है उनसे, उन्हें बोल। साहब तो कब के निकल चुके हैं मैडम? निकल चुके जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। निकल चुके हैं इसका मतलब रास्ते में होंगे, हम उन्हें बोल देते हैं कि तुरंत डॉक्टर को साथ में लेते हुए। हेलो सम्राट जी, सम्राट जी शौर्य की तबीयत बहुत खराब हो गई, आप तुरंत आते वक्त डॉक्टर को लेते हुए। उर्मी इतना घबराने वाली बात नहीं है इसमें, इट्स ओके। सम्राट जी उसका बुखार पर आप एक काम कीजिए, पापा या दिवाकर भैया किसी को उठाइए, वो देख लेंगे। नहीं सब सो रहे हैं सब। और मैंने कहा था ना मैं ऑफिस में रहूंगा, आज मीटिंग है मेरी, वहीं अटका हुआ बस। ऑफिस आते आते देर हो जाएगी, ठीक है ध्यान रखिए। साहब तो कब के निकल चुके हैं मैडम? कब के निकल चुके हैं? और मैंने कहा था ना मैं ऑफिस में रहूंगा, आज मीटिंग है मेरी, वहीं अटका हुआ बस। जी और दूसरी। थैंक यू डॉक्टर। कंचन इसमें से देखो हमारे पास कुछ है क्या, वो मंदिरा के लिए मंगवाई थी ना पिछली बार डॉक्टर से, चेक करते हैं। भैया डॉक्टर ने क्या कहा, तुरंत अभी लेकर जाना होगा क्या? घबराओ मत उर्मी, डॉक्टर ने कहा है कि अभी आने की जरूरत नहीं है, बस ये दवाइयां दे दो ठीक हो जाएगा, और चाहो तो कल लेके चलेंगे शौर्य को। ये सब है हमारे पास, हम अभी लेकर आते हैं। जाओ उर्मी बहू, घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है जुकाम से बुखार हो गया बेटा। सम्राट को नहीं बताया था का?
माँ जी, हमने उन्हें फोन लगाया था लेकिन वो मीटिंग में बिजी है। कोई बात नहीं बेटा, अभी दवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। जी दादी, मोजा बनाना तो हमें सीखना है पर जे तो बड़ा ही उलझा हुआ काम है, जे ना होगा हमसे। मोजा बनाने के लाने गोला तो बनाना ही पड़ेगा ना। अरे जे क्या कर रही हो, सीधे बैठो, सीखना है तो सीखो नहीं तो खुदाई कर लो। दादी आप गुस्सा मत होइए ना, ये सब हमें सीखना तो है, धीरे धीरे सीखेंगे ना हम। हे दादी, हमारे कान में ना बहुत जोर की कुटली हो रही है। दादी जल्दी कीजिए ना, नहीं तो हमसे ये सब छूट जाएगा, फिर आप चिल्लाएंगे हम पे। सरोज, तुम्हारी बहू हमारे बस की नहीं है, संभालो इसे। अरे अम्मा, आप लोगों को इसे संभालने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं ये बहुत परेशान करती है, अब इसे ना आप लोगों को संभालने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब तक बच्चा नहीं हो जाता ना, तब तक ना हम यही रहकर इसका पूरा ध्यान रखेंगे। और इस बेकूफ ने ना कुछ भी ऊंच नीच कर दी और जरा सा भी गड़बड़ कर दिया ना तो देने की देने पड़ जाएंगे, है ना समधन जी? अरे अम्मा, कुछ भी ना कहो तुम, हम बेवकूफ है ना? हाँ? चुप। लेकिन समधन जी, घर में सभी लोग आशा का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप लोग बहू की सेवा करें ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम है ना, हम करेंगे, आप लोगों का तो पोता आ रहा है तो हमारा भी तो नाती है ना अम्मा जी? औका। अरे वाह अम्मा, इसका मतलब अब तुम भी यही रहोगी, तब तो बड़ा ही मजा आएगा, है ना माँ जी? अब
आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, इसमें एतराज की क्या बात है? थैंक गॉड बुखार नहीं पड़ा। कैसा लग रहा है आपको? बच्चा सर में दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं मम्मा, अब मैं ठीक हो गया। वेरी गुड। मम्मा मुझे भूख लगी है। आ जाओ, कम 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 आओ। अरे कैसी तबीयत है मेरे शेर बेटे की? अब ठीक है। मैंने कहा था ना आपसे कुछ नहीं होगा ऐसे। मेरा शेर बेटा है, बहादुर बेटा है। कौन है? आप बेकार में परेशान हो रही थी, कर दिया ना इसने अपने बुखार को डिशुम डिशुम। चलो आ जाओ, पापा को मॉर्निंग किसी आ जाओ। शाबाश। चलो ब्रश कराएंगे।